मांगा पे बेस टीवी शो। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं राज गौरव और आज हम बात करने वाले एलिस इन बॉर्डरलैंड के रिव्यू के बारे में, क्या आपको देखना चाहिए नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। और टेंशन मत लो, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होने वाली है, तो पहले वीडियो से फिर जाके ये टीवी शो देख सकते हो। तो भाई अब काफी लोगों को लग रहा होगा ये मैं मांगा का रिव्यू कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं, ये टीवी शो का रिव्यू है। इनफैक्ट मैंने मांगा पढ़ी भी नहीं है, बट दिस टीवी शो मेड मी थिंक, क्या मैंने अपनी लाइफ में करेक्ट चॉइसेस लिए हैं कि नहीं। जी इसलिए नहीं कि वो खराब है, जी इसलिए कि मैंने मांगा नहीं पढ़ी इस पे कि मेरे को मांगा पढ़नी चाहिए नहीं, क्योंकि जितना बेहतरीन ये टीवी शो है मांगा पढ़ने पे मजबूर तो जरूर कर देता है। अब अगर आपने पढ़ी हुई है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना पढ़ने लायक है या नहीं। दैट बीइंग सेड, लेट्स टॉक अबाउट कि ये मांगा और ये टीवी शो है किस बारे में। ऑल्दो दोनों के प्लॉट काफी ज्यादा सिमिलर हैं और जैसे स्टार्ट होता है वो भी, तो भाई क्या होता है, तीन दोस्त होते हैं जो कि चाहते हैं उनको एक डिफरेंट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देखने को मिले भाई कभी अपनी लाइफ में। एकदम से एक दिन क्या होता है, तीनों ऐसे घूम रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं और एकदम से उनको लगता है कि दुनिया के सारे लोग गायब हो गए हैं। तो वो एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं और वहाँ एंटर करने के बाद एक लेज़र के थ्रू पास करते हैं जिसमें उनको एक औरत फॉलो करती है। जब वो अंदर आ जाते हैं तो उनको पता चलता है वो लोग एक गेम के अंदर एंटर कर चुके हैं जिसमें उनको बचना है मरने से। तो उसके बाद जो होता है वो आपको एक एस्केप रूम जो है मूवी उसका फील दिलवाता है, बट उससे काफ़ी अलग है इन टर्म्स ऑफ हाउ द स्टोरी हैज़ बीन प्लॉटेड। जिस तरह से उसको फ्लो करवाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख के बनाया गया है और सब पे काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से ध्यान दिया गया है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट हो गया या बातें हो गई, डायलॉग्स हो गए, जो भी चीज़ है वो काफ़ी शानदार तरीके से दिखाई गई है आपको। जो गेम्स डिज़ाइन किए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्लॉट सेम है, स्टोरी बेसलाइन सेम है, मतलब आपने पहले बहुत बार सुना है सर्वाइवल गेम्स के बारे में, बट जिस तरह से इसको कॉन्सेप्टलाइज किया गया, आपके सामने प्रेजेंट किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, विच हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू अ गुड राइटिंग। और प्रोडक्शन में इसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगाया है, वो दिख रहा है आपके सामने, मतलब CGI हो गया या जो भी चीज़ हो गई काफ़ी अच्छे से दिख रही हैं कि हाँ भाई टाइम दिया गया है, पैसा दिया गया है, मेहनत लगी है। और अगर आप एक्टिंग के फ़ैन हो तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ऑल दो लैंग्वेज का इशू हो सकता है, अगर आप सब टाइटल्स में देखना नहीं पसंद करते तो शायद को पसंद ना आए, क्योंकि यार आई वॉच इन ओरिजिनल लैंग्वेज विद सब टाइटल्स एंड आई वुड सजेस्ट यू आप भी ये करना। अगर आप डब में देख के आए हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना यार कितना अच्छा डब है इसका, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट आई वुड हाईली रिकमेंड डब में मत देखो, सब में देखो। एज ऑल माई वीडियोस मुझे हमेशा ये कहता हूँ, डब मत देखो सब देखो, तो यहाँ भी मैं वही किया और मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि भाई एक्टिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है, तो एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। ऑल दो इसका OVA मैंने सुना था उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा ये सीरीज़ मेरे को लगी, ये सीरीज़ तो मेरे को काफ़ी शानदार लगी है एंड आई रियली इन्जॉयड इट, इसलिए सीरीज़ को मैं दूंगा 10 में से 8.5 स्टार्स। आप कितने दोगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। वीडियो अब तक देख लिया और लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वॉचिंग गाइस एंड एज ऑलवेज पीस आउट।